ये अभी मैंने एक ना माउंट अडाप्टर ख़रीदा है, परचेज़ किया था मैंने दराज से। तो इसको हम ओपन करते हैं जी। ये बेसिकली माइक लगाने के लिए होता है, माइक को ट्राईपोड के ऊपर लगाने के लिए। तो इसको माइक का बड़ा मसला आ रहा था मेरे लिए, क्योंकि मैं माइक हाथ में होल्ड करके जो वीडियो बना रहा था तो वो उसकी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया ताकि मैं इजीली माइक को लगा सकूं। तो चलें जी देखते हैं किस तरह का मिला है हमें। लग तो अच्छा रहा है, चलें बाकी देखते हैं इसको खोल के। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा जी, मुझे तो बहुत कमाल लगा ये। लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव था ये, मुझे मिला है 500 का, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलें अब इसको लगा के देखते हैं, और माइक की क्वालिटी, जो वॉइस की क्वालिटी है वो भी देखते हैं कि किस तरह होती है। चलो भाई देख। म्यूजिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। अभी मैंने एक माउंट अडाप्टर लगाया तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गया मेरे लिए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी वॉइस के लिए और वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो अभी मैंने माइक को बिल्कुल अपने मोबाइल के ऊपर लगाया तो काफ़ी ज़्यादा मुझे आसानी और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग सोशल मीडिया पर और YouTube पे मुबशर सदीक और जैनुल आबदीन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, या उनको उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि ये इस तरह करते हैं जो भी उनसे मिलने जाता है, या इनको किस तरह शोहरत मिली है, भाई एक बात मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि शोहरत, जिल्लत और इज़्ज़त अल्लाह ताला देने वाला, उसके अलावा कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो यूट्यूब पर व्यूज़ लेने की खातर उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और लोगों को उनके ख़िलाफ़ करते हैं, भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं, और आज जो भी हैं वो अपनी मेहनत से हैं, आप लोगों की वजह से हैं। जो भी लोग उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा उनके ख़िलाफ़ बोलने से। अगर अल्लाह ताला ने किसी बंदे को इज़्ज़त दी है तो आप लोग जो भी उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं भाई आप उनसे उनकी इज़्ज़त नहीं छीन सकते, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। तो खुदारा उनके ख़िलाफ़ बोलना बंद करें और अपनी मेहनत शुरू करें, अपने लिए अपना कोई कंटेंट बनाए। उनके खिलाफ बोलने से आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो किसी के खिलाफ बोल के या व्यूज़ लेने की खातर उनके खिलाफ बोलना, ये तो अच्छी बात ना हुई। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यार बस अपना कंटेंट बनाए, अपने कंटेंट से इंशाल्लाह आप लोगों को तरक्की मिलेगी, और सही नीयत से और अच्छी नीयत से जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। तो आप लोग अपनी अपना कंटेंट बनाएं, उससे आप लोगों को बिल्कुल कामयाबी मिले। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।